दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर परमेश्वर का वचन के प्रति भूख होता है और हम बार बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर को और अधिक जानना चाहते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं बाइबल में से, तो हमें समझ में नहीं आता कि वचन का अर्थ क्या है, हम कैसे और गहराई से परमेश्वर को जाने, कैसे वचन का अर्थ को समझे। मैंने सैंपल के लिए ये नोट्स आपके लिए बनाया है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है जॉन तिर्की और मैं 15 सालों से अधिक जवानों के बीच में सेवकाई कर रहा हूं और जवानों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने में सहायता करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपना स्क्रीन में लेके चलता हूं। जब मैं प्रभु में नया नया बढ़ रहा था तो मेरे प्रयोग क्या करता था, मैं ऐसा बाइबल पकड़ता था और ये बंद रहता था और मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु जी आप बातचीत कीजिएगा, आप मुझसे क्या चाहते हैं। और फिर मैं ऐसा आंख बंद करके खोलता था, आंख बंद करके उंगली इसमें डालता था और उसके बाद मैं देखता था कहां पर क्या वचन है और वो वचन को पढ़ता था। तो मैं सोचता था कि प्रभु मुझसे ये बातें कर रहा है। सो पहले मैं कुछ इस तरीके से करता था। मेरे प्रयोग हो सकता है कि आप भी ऐसा करते होंगे। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, यह गलत तरीका है बाइबल पढ़ने का, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। सो कैसे हम सही तरीके से बाइबल पढ़ेंगे, आइए हम आपको यहां पर सिखाते हैं। तो शुरुआत आपको ऐसे करना है, सबसे पहले आप अपना मुंह हाथ धो लीजिए, अगर हो सके तो चाय पी लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है, ताकि आपको नींद ना आए वचन पढ़ने के समय। कुछ देर शांत रहे, एकदम शांत, और शांत रहने के बाद आप मन में प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु जी मैं तेरे चरणों में आया हूं, मुझसे बातें कीजिए। ओके? और प्रार्थना करने के बाद बाइबल को खोलिए। याद रखिएगा, बाइबल को आप यहां वहां से मत पढ़िए, सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़िए। अगर आप नए विश्वासी हैं तो आप लुका रचित सुसमाचार पढ़ सकते हैं, मरकुस में से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो आप रोमियो का पत्री पढ़ सकते हैं, कुरिन्थियों पढ़ सकते हैं या पुराना नियम में से पढ़ सकते हैं। ओके? आप बाइबल का जो चैप्टर या बुक को चुने हैं उसको आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कितना पढ़ना है, हो सकता है एक पैराग्राफ, मतलब जिसमें 8 या 10 वचन हो सकते हैं, या कम से कम 5 वचन भी कभी कभी होता है, या एक कहानी को या एक घटना को आपने पढ़ा है उतना ही। और पढ़ने के बाद आपको APECST इस मेथड से आपको वहां पर कुछ सवालों का जवाब खोजना है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या है। ओके? उसके बाद आपको अपना नोट्स लिखना है और नोट्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है, जो कुछ आपने सीखा है उसके अनुसार आपको प्रार्थना करना है। ओके? ये मेथड क्या है, आइए हम यहां पर समझेंगे। मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, पहले आप इंग्लिश में समझ लीजिए। ए से है अबाउट गॉड, मतलब परमेश्वर का चरित्र, उसके बारे में। पी से प्रॉमिस टू क्लेम, मतलब परमेश्वर का वायदा जिसको दावा करना है। ई एग्जाम्पल टू फॉलो, मतलब कोई उदाहरण, जो अच्छा उदाहरण है उसको उसके अनुसार करने के लिए, और कोई बुरा उदाहरण है तो उसके अनुसार नहीं करने के लिए। सी कमांड टू ओबे, परमेश्वर का आज्ञा ताकि उसका पालन किया जा सके। एस सिन टू कन्फेस एंड वार्निंग, पाप या कोई चेतावनी। ओके? टी थॉट्स या टीचिंग, आज हमने क्या सीखा, कोई नया विचार हमें मिला क्या। सो इसको हिंदी में हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आप हिंदी में ऐसा सवाल पूछना है, ए से परमेश्वर का चरित्र के बारे में यहां क्या लिखा है, जैसे परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। ओके? इस तरह का जो गुण है वो परमेश्वर के बारे में बताता, ठीक वैसा ही परमेश्वर के बारे में आपको वहां पर क्या पता चला है, जिस पैसेज को जिस जगह आपने पढ़ा है उस वहां पर पढ़ने के बाद में। ओके? आपको वहां पर लिखना है। फिर क्या यहां परमेश्वर मुझे कोई प्रतिज्ञा कर रहा है, परमेश्वर का कोई वादा वहां पर है, जैसे उदाहरण के लिए जब मैं यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ता हूं तो क्या पाता हूं, वहां पर एक वादा परमेश्वर करता है कि जो डाली मुझ में है और मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। ओके? सो जब हम परमेश्वर में बने रहते बहुत फल फलता, ऐसा एक प्रतिज्ञा हो गया। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, अगर जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं और उस पैसेज में इस तरह से कुछ प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप उस प्रतिज्ञा को अपना नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद क्या यहां कोई उदाहरण है जिसका मुझे अनुसरण करना है, इसका मतलब क्या, मतलब ये कि बाइबल में कई तरह का उदाहरण भरा पड़ा है।
जब आप पढ़ते हैं जिस पैसेज को, अगर उस पैसेज में कोई नमूना है, कोई सैंपल है, जैसे मान लीजिए कि पौलुस का जीवन से कोई उदाहरण है, अपने पुराना नियम से पढ़ रहे हैं, दाऊद का कोई उदाहरण है, आप यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ रहे थे, वहाँ पर दाखलता का उदाहरण है, ऐसा कुछ उदाहरण अगर है वहाँ पर, जो अच्छा उदाहरण है उसको हमें फॉलो करना है, उसके अनुसार चलना है, जो बुरा उदाहरण है उसके अनुसार नहीं चलना है। ओके, सो आप अपना नोटबुक में इसको खोज कर लिखते जाना है। क्या परमेश्वर मुझे कोई आज्ञा दे रहा है? जैसे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, ऐसा कुछ आज्ञा वहां पर दे रहा है क्या परमेश्वर? तो आपको वहां पर ध्यान से देखना है, अगर कोई आज्ञा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है वहां पर लिखा हुआ है, तो आप क्या करना, अपना नोटबुक में उसको नोट करते जाना। अब आपको सवाल करना है कि क्या कोई पाप या चेतावनी का जिक्र है? तो मेरे प्रियो, पाप और चेतावनी, जैसा कि हमने आपको पहले ही पिछला वीडियो में बता दिया कि पाप दो तरीके से हो सकता है, एक जो परमेश्वर ने कहा है कि इस काम को करो और हम नहीं करते हैं तो वो पाप है, दूसरा ये कि परमेश्वर ने कहा कि इस काम को मत करो और हम कर देते हैं तो यह हमारे लिए पाप है। इसका मतलब ये कि ऊपर परमेश्वर का जो चरित्र, परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का कोई उदाहरण हमें दिया गया है या परमेश्वर ने कोई आज्ञा दिया है, इन सब के प्रकाश में अपने आप को रखना है और उसके बाद अपने आप को जांचना है, क्या कोई ऐसा पाप हमें पता चलता है। मान लीजिए कि परमेश्वर का चरित्र प्रेम के बारे आपने जिक्र किया है, जो पैसेज में आपने पढ़ा वहां पर लिख लिया परमेश्वर प्रेम करता है, तो हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं, क्या यह प्रेम का गुण मेरे अंदर में है? क्या मैं भी प्रेम करता हूं परमेश्वर से और उसके लोगों से? अब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करके पूरा करता है, उसका ये गुण है, तो क्या मैं भी अपना वादा को पूरा करता हूं? ओके, कोई उदाहरण है, कोई अच्छा उदाहरण या बुरा उदाहरण, तो उसके अनुसार अपने आप को जांचना है कि अच्छा वाला उदाहरण मेरे में है या नहीं है। परमेश्वर ने यह आज्ञा जो दिया है, या आज्ञा के अनुसार मेरा जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा है तो यह हमारे लिए पाप है। तो ऐसे आपको पाप का कुछ कुछ पॉइंट मिलता जाएगा, आप उसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ओके, उसके बाद आखिर में आज मैंने क्या सीखा, कोई नया विचार सीखा है क्या? तो ये हर एक के लिए अलग अलग होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है या परमेश्वर ने कुछ नया विचार आपको दिया है तो आप अपना नोटबुक में लिख लीजिए। आखिरी में आप अपना निर्णय, आपने क्या डिसीजन लिया है, उसको भी लिख सकते हैं। सो मैं आपको यहां पर उदाहरण देकर के समझा रहा हूं कि कैसे नोट्स को लिखा जाए। ओके, तो आइए हम लोग लुका 18 अध्याय उसका 1-8 वचन को पढ़ेंगे और फिर हम कैसे नोट्स बनाना है क्वाइट टाइम का उसको भी सीखेंगे। जो भी पैसेज आप पढ़ रहे हैं, आप उसको कम से कम 2 बार धीरे धीरे पढ़ना, और 2 बार पढ़ने के बाद आपको वही मेथड के अनुसार आपको सवाल करना है और उन सवालों का जवाब खोजने का कोशिश करना है। जब आप सवालों का जवाब खोजेंगे तब आपको आसानी से बहुत सारा सवाल का जवाब मिलेगा, आप उसको अपना नोटबुक में लिखना। हम यहाँ पर लुका 18 अध्याय उसका 1-8 का ये जो मेथड है, APECST, इस मेथड के अनुसार हम क्या करेंगे, सवालों का जवाब को देखेंगे। मैंने सैंपल के लिए ये नोट्स आपके लिए बनाया है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे परमेश्वर का चरित्र में मैंने लिखा है, परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाता है, वह मुझ में विश्वास देखना चाहता है, यीशु दोबारा आएगा, परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। दूसरा, प्रतिज्ञा में मैंने ऐसा लिखा है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, इसलिए वह मेरा न्याय जरूर चुकाएगा, मुझे कर्ज से परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा। क्या यहाँ कोई उदाहरण है? तो मुझे उस स्त्री के समान नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। क्या यहाँ परमेश्वर का कोई आज्ञा है? तो इनडायरेक्ट एक आज्ञा है कि प्रार्थना करते रहो जॉन भाई, हिम्मत मत हारो। क्या कोई पाप या चेतावनी है? तो कोई भी पाप या चेतावनी ऊपर परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का प्रतिज्ञा, कोई उदाहरण या परमेश्वर का आज्ञा, इन सब के प्रकाश में अपने आप को रखते हुए आप जरूर देखना। तो मेरे लिए यहां पर क्या है, कभी कभी परमेश्वर से नहीं डरना। कोई एक विषय के बारे में प्रार्थना एक बार करने के बाद भूल जाना कि कब प्रार्थना किए थे मालूम नहीं, भूल गए।
अगर कोई गरीब बार बार आकर अपना दुहाई देता कि भाई मदद कर दो और हम सक्षम है मदद करने के लिए और नहीं करते हैं तो यह मेरे लिए पाप है। हिम्मत हार जाना यह भी पाप है। नया सीख या नया विचार क्या है, ऐसे सबके लिए अलग अलग है। मैंने केवल एक पॉइंट उदाहरण के लिए लिख दिया है कि परमेश्वर न्यायी है। ओके, सो आइए इस तरीके से आप नोट्स बनाइए। जब आप ऐसा नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स कैसा दिखाई देगा, आप यहां पर नोट्स को देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है और ये पुराना नोट्स है। हमने बाइबल पढ़ लिया, अच्छे तरीके से सवाल करते हुए नोट्स बना लिया। अब आगे सवाल यह है कि हम किस तरीके से मनन करें, कैसे हम मेडिटेट करें।